और दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एसएस संधू शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर एसएस संधू ने ग्लोबल समिट वेबसाइट की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली और देहरादून के पास में है, उसके बाद भी यहां एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में अधिक समय लगता है, लेकिन अब आने वाले 6 महीने में कुछ घंटों में ही देहरादून नैनीताल जैसी जगहों से दिल्ली पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटर टावर उत्तराखंड में है, साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट वेबसाइट से सभी को अधिक जानकारी मिल सकती है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। भी आपने सुना होगा कि कहीं कोई लेबर और मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट हुआ हो, और ये उत्तराखंड के जो वासी हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल आर फ्रॉम उत्तराखंड, कुछ बाहर से भी हैं, वो बेसिकली बाय नेचर दे आर पीस लविंग। इसलिए भी इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्रियल पैकेज हमें मिला था जिसमें इनकम टैक्स और एक्साइज की रिबेट मिली थी 10 साल, बहुत से लोग स्केप्टिसिज्म से फुल थे कि जब तक पैकेज है इंडस्ट्री आ रही है, पैकेज खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको लोकेशन और डिसएडवांटेज है, रॉ मटेरियल भी दूर से आना है और मार्केट भी दूर है। वो दूरी किसी हद तक ये बेटर कनेक्टिविटी से दूर हो गई, क्योंकि बेटर रोड्स हो गई हैं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इकोसिस्टम बन गया है, ये जो मैंने एडवांटेजेस गिनाए हैं, लेबर, वेरी कॉर्डियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस एंड पावर, चीप पावर, प्लस इकोसिस्टम इतना बन गया है, और जो लोग आए हैं वो जाने की बात तो दूर, हर एक आदमी ने, अभी हमने पिछले 1-2 महीने से जो बात कर रहे हैं, everyone wants to expand within Uttarakhand.